जय हिंद गाइस। देखिए, इसके पहले जो वीडियोज हैं उनमें से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके थे, है ना। और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो आज उसी जो है उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो हमने ये बताया था कि जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसमें से कितने जो है पार्ट को हमने अलग किया और कितने पार्ट को हमने उसमें ऐड किया, है ना। तो उसको हम जो है कैसे उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है निकालते हैं, तो आज हम उसी टाइप्स का एक क्वेश्चन लेंगे। और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे तुम्हारे पास एक सिलेंडर है ना। क्या है सिलेंडर? ये सिलेंडर है, ठीक। और ये कैसा है? सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है? सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ये, ठीक। और इसमें कह दे, क्वेश्चन में ऐसे सब लिख लिख करके जो है आएगा, हिंदी से भी रहेगा, इंग्लिश से भी रहेगा, दोनों से रहेगा। कह दे कि इसमें से एक कोन जो है हमने काट करके क्या कर लिया, निकाल लिया। तो जो ये शेष पार्ट हमारा बच रहा है ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दीजिए। और ये जो कोन है ये सेम बेस पर बना है सिलेंडर के, तो अगर ये सेम बेस है तो इसकी हाइट भी एच है इसकी, तो इसी की भी जो है एच होगी, कोन की भी, है ना। कोन की भी हाइट क्या होगी? एच होगी। और अगर इसकी रेडियस सॉलिड सिलेंडर की ए है, तो कोन की भी रेडियस क्या होगी? कोन की भी रेडियस ए होगी, और इस जो है सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट की जो रेडियस होगी वो भी ए होगी, ठीक है। तो कोन की रेडियस ए हो गई और सिलेंडर की रेडियस भी ए हो गई, ठीक। ये हुआ। अब इसमें से हमसे कहेगा कि ओजी निकालिए। तो ये आप तो जानते हैं कि सिलेंडर का जो ओजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो मिडिल में होता है, मध्य में, ठीक है। वो कहाँ होता है? मध्य में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो तुमसे जो है कहेगा कि शेष पार्ट का तुम्हें क्या निकालना है, शेष पार्ट का तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशंस में, हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, लेट लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, या कैसे, हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर G1। G1 हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर, ठीक। एंड G2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन, ठीक। ये हमने G2 कोन की मान लिया, ठीक है। एंड G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रिमेनिंग पार्ट। तो जी हमारा जो है वो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक। रिमेनिंग पार्ट का CG है, ये हमने ऐसा कह दिया, ठीक। तो अब हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि जो बेलन का जो वेट है वो W1 है, कितना है? W1। और जो सिलेंडर का वेट है वो W2 है, ये हमने मान लिया, है ना। तो इसका इसका जो सेंटर होगा, इसके कुछ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर G1 होगा कहीं पर, ठीक। और जो सिलेंडर का वेट होगा वो हमारा क्या होगा, ये G2 माना है ना हमने, ये G2 होगा और इसका G1 होगा, ठीक।
अब शेष पार्ट का जी जो हमने माना वो कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जिधर ज्यादा होता है पार्ट उधर ही उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो जी मान लो कहीं यहाँ पर होगा, है ना। तो हमें इसका ओजी निकालना है, ओजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ओजी ठीक है जो हमने शेष माना है। तो क्या करेंगे, ओ जी वन का मतलब पूरे सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका वेट W1, और प्लस OG2 और इसका वेट, मतलब जो हम ये कोण का G2 माने हैं, तो इसका वेट हम इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं काट करके ऐसे कोण के जो है शेप का। और अपान में W1 प्लस माइनस W2 ये होगा, ठीक। अब देखिए, हमने बताया था कि कोई भी हमारे पास 3D होता है तो उसका जो वेट होता है वो उसका क्या होता है, वैल्यूम होता है ना भाई। प्लानर ग्राफ में उसका वेट एरिया होता है, और 3D में या सिलेंडर वगैरह में उसका वेट वैल्यूम होता है, और लीनियर में उसका वेट क्या होता है, लीनियर या आर्क में उसकी लेंथ होती है ना। तो ये हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ये भी ध्यान रखना कि जो पूरे सिलेंडर का यानी OG1, पूरे सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एच अपॉन टू होता है, और कोण का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमारा 3H/4 होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये पिछले वीडियो में देख लेना, उनमें सब डिस्कस है ये। और सिलेंडर का जो वेट होगा यानी W1, वो उसका वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, और जो कोण का वेट होगा W2 वो 1/3 πr² h होगा, ठीक। अब यहाँ पर इनको पुट करेंगे तो ये हमारा इसका OG1 कितना है, h/2, और इसका वेट πr² h है, प्लस माइनस के यहाँ माइनस हो जाएगा। OG2 का कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3H/4, एंड इसका वैल्यूम πr² h/πr² h यानी सिलेंडर का वेट माइनस हो जाएगा वैल्यूम कोण का 1/3 πr² h, ये हमने इसमें लिखा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका ओजी शेष रिमेनिंग पार्ट का, देखिए दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक। तो हम इसको कैसे जो है निकालेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से πr² h, πr² सब जगह से कॉमन है, तो πr² h से ये πr² h और πr² h सब पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, h/2 और माइनस यहाँ से 3H/4, और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से ये निकल गया πr² h, है ना। तो बचा क्या यहाँ पर, 1/3 बचा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाई दैट 4 LCM आएगा, तो ये यहाँ पर 2H-3H/3 में से 1 जाएंगे, 2/3 बचेगा, है ना। अब 3 में से 2 का कितना आया, -H/4 इंटू में 3/2, तो ये हमारा माइनस का 3H/4 2 8, ये इसका ओजी आ गया है ना। ये क्या आ गया, इसका ओजी आ गया, ठीक। यहाँ पर 3H ही है ना,
यहाँ पर 3H है, सॉरी यहाँ पर H है, क्योंकि ये 3 से ये 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। हाँ तो यहाँ पर H बचेगा, और ये 2H में H जो है जाएंगे यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली H है ना, यानी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो H बाई 8 हमारे पास निकल करके वो ये पलटेगा, तो थ्री और एच सही है। तो ये हमारा 3H अपान 8 आएगा। ठीक है, 3H अपान 8, ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा शेष जो रिमेनिंग पार्ट था उसका निकाला है। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। देखिए मान लो, है ना, कि हमारे पास एक जो क्या है कोण है, एक क्या है कोण, ये कोण है। ठीक, इसकी हाइट तो आप जानते हैं एच है ना, और ये इसका ओ है, सेंटर है, ये हम कह देते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं इसको। ठीक, ओरिजिन से हम यहाँ पर ये इसकी हाइट है, इसकी रेडियस ए मान लेते हैं। रेडियस क्या है, ए सेंटीमीटर कोण की। ठीक, ये रेडियस है। ठीक, तो ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं कि मिडिल में होगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि इसको हम आधे से जो है इसको काट देते हैं यहाँ से, ये मतलब मिडिल से, मध्य से इसको हमने अलग कर दिया इस कोण को। ठीक, तो इसकी जो हाइट बचेगी वो क्या बचेगी, h बाई 2 बचेगी, है ना, h बाई 2। ठीक, और इस पूरे कोण की जो वो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, 3h/4। अभी इसके पहले बता चुके हैं, तो हम पहले इसमें लेट कर लेंगे कि लेट कर लेंगे कि G1 जो हमारा है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी पूरे कोण का है, CG ऑफ कोण। एंड G2 जो है हमारा, ठीक है, G2 वो जो हमने अलग किया है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, यानी G2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कटिंग पार्ट, ठीक है, जो हमने कट किया है उसका जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जी जो हमारा है वो पूरे मतलब क्या है, पूरे कोण का है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंप्लीट कोण का है ये जी। ठीक, तो हमने ऐसा इसमें मान लिया। ठीक, तो ऐसा हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसका जो ओ जीवन, ठीक है, यानी ओ जीवन जो हमारा आएगा यहाँ पर वो 1/3 πr² h होगा, क्योंकि ये हमारा जीवन क्या है, सेंटर अभी पूरे कोण का है, और जो हमारा हम जिसको अलग किए हैं उसका हमने G2 माना है, तो ओ जी टू उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा 1/3 π और r² और h। देखिए यहाँ पर इसका h क्या है, h की जगह में h/2 होगा, है ना, h/2 होगा, लेकिन इसकी रेडियस अगर हम निकालेंगे तो देखिए इसकी रेडियस जो हमने अलग किया है, तो एक फार्मूला होता है tan थीटा, देखिए इसका ये एंगल 90 है, ये भी 90 है ना,
तो अगर हम यहां पर इसको ऐसे लें, ठीक, इसकी रेडियस मान लो हमने ए माना है और इसकी रेडियस हमें निकालना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये 90 है और ये दोनों में क्या है, एंगल कॉमन है अल्फा, मान लेते हैं ये अल्फा है ना, तो इसमें से ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, या ऐसे निकाल सकते हो, ठीक, कि टेन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक, इसके लिए टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, पूरी हाइट यानी एच अपान, ठीक है, और रेडियस इसके क्या है, आर है, ठीक है, इसकी बड़े वाली इसकी तुम आर वन मान ले, ठीक है, और नेक्स्ट जो लेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू, वो हमारा क्या आएगा, इसकी कितनी है, एच अपान टू है, तो यानी इसमें एच अपान टू इसकी बेस यानी रेडियस कह सकते, आर वन माना है, एच अपान टू है, तो ये दोनों देखो इक्वल है, तो अगर हम इनको इक्वल रखें, एच अपान आर इज इक्वल टू एच बाई टू अपान आर वन, तो देखिए एच से एच क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये हमारे पास वन अपान आर इज इक्वल टू वन अपान टू आर वन बचेगा, तो मतलब हमारे पास क्या आया है, जो यहाँ पर इनमें रिलेशन आया है आर और आर वन में, ये टू आर वन के इक्वल है, मतलब आर वन की जो वैल्यू आएगी वो आर बाई टू आएगी, मतलब हम इसकी रेडियस के स्थान पे आर बाई टू रखेंगे, ठीक है, तो इसका जो वैल्यूम बनेगा हमारे इस कटे हुए अलग किए हुए पार्ट का, वो ये जो है बनेगा, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये इनके वेट हैं, ये क्या है, वेट यानी ये डब्लू वन है इसका वेट और इसका वेट डब्लू टू है, ठीक, ये वेट हमने लिखा है, ठीक है, इसका वेट हम मान लेते हैं पूरे का डब्लू वन और इसका जो शेष जो कटा हुआ पार्ट है उसका डब्लू टू मान लेते हैं, तो वो डब्लू वन और डब्लू टू की वेट की वैल्यू आ गई, ठीक, अब देखिए, अब जो कोण का ओजी होगा पूरे का वो 3h/4 होता है कि नहीं होता, 3h/4, और जो ओजी टू होगा उसका वेट क्या होगा बताओ, क्योंकि एच यहाँ पर क्या है, एच बाई टू है, तो एच के स्थान पे एच बाई टू रखेंगे तो ये आएगा 3h/8 आ जाएगा, है ना, ये हमारा ओजी टू यानी कटे हुए पार्ट की क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, और ये हमारे पूरे कोण की होगी, ठीक है, अब हमें ओजी चाहिए, ओजी का मतलब इसका कहीं, इसका जो जीवन, ये जीवन इसका यहाँ पर है कहीं और इसका जी टू यहाँ पर है, लेकिन हमें चाहिए जी, है ना, जी का मतलब ये यहाँ कहीं आएगा शेष पार्ट का, कहीं जिधर ज़्यादा होता है उधर ही अधिकतर जी होता है उसका, तो जी हमने इसका मान लिया पूरे जो शेष बचा हुआ है, तो हमें ओजी चाहिए, है ना, तो ओजी निकालने के लिए क्या करेंगे, ओजी इज इक्वल टू बस वही सेम फार्मूला, ओजी वन पूरा और उसका वेट और प्लस ओजी टू अलग किए हुए पार्ट और उसका वेट, अलग किए तो माइनस वेट में लगाएंगे और अपान में डब्लू वन माइनस यहाँ डब्लू टू हो जाएगा, चाहे प्लस करके अंदर माइनस कर लेना, ठीक है, अब यहाँ रखो ओ जी वन की वैल्यू 3h/4 है और डब्लू वन की वैल्यू हमने निकाला है 1/3 πr² h, ठीक, और इसकी वैल्यू जो ओ जी टू की है वो 3h/ यहाँ माइनस हो जाएगा 3h/8 है, ठीक है, ओ जी टू की वैल्यू क्या है 3h/8, ठीक है, और यहाँ पर इसका वेट जो आया है वो 1/3 πr² h/4 2 8, और अपान में यहाँ भी यही होगा डब्लू वन माइनस डब्लू टू 1/3 πr² h/8 हो जाएगा, ठीक, देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सब जगह से कॉमन है, ठीक है,
सब जगह क्या है, कॉमन है।